जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है टीचिंग लेवल, यानी कि शिक्षण के स्तर। दोस्तों बड़ा आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो बस यूँ समझ दीजिए कि शिक्षण स्तर जो टीचिंग लेवल होता है ना, वो तीन तरीके से होते हैं। कौन कौन से? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। हिंदी में इसको स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। मतलब जो छोटा बच्चा है, जो छोटा बालक है, उसको आप बहुत चिंतन करने की बात नहीं करते, उसको बहुत समझने पे भी जोर नहीं देते। आप उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, स्मृति याद कराने, मेमोरी कराने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो बच्चा रटता है 2 1 2 2 2 4, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो मेमोरी लेवल पे काम करते हैं। थोड़ा सा जो और बच्चे होते हैं, जो बाल्यावस्था के, मध्य बाल्यावस्था के होते हैं, वो बोध स्तर पे काम करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, साथ ही साथ समझने की कोशिश करते हैं। और जो बड़े लेवल के बच्चे होते हैं ना, वो चिंतन करते हैं, वो सोच करते हैं, अपने ख्याल से लेते हैं। तो इस प्रकार की ये तीन लेवल होते हैं शिक्षण के। अब आइए इसको लिखना कैसे अपने शब्दों में, उसको समझ जाए। देखिए शिक्षण के स्तर की हम बात करें, टीचिंग लेवल की बात करें, तो क्या होता है? शिक्षण के स्तर वह आधार हैं जिसके माध्यम से छात्र के बौद्धिक विकास किया जाता है। ठीक है, इसमें छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षा अर्थात छात्रों के बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों पक्षों के विकास करने से शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक और बौद्धिक आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। तो आपने थोड़ा सा हेडिंग डाला शिक्षा के स्तर और शिक्षा के स्तर के बारे में लिख दिया। शिक्षा का स्तर क्या है दोस्तों? शिक्षा का स्तर एक आधार है जिस आधार के ऊपर हम बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, उनके बौद्धिक विकास करते हैं। ठीक है, अब आइए शिक्षा के स्तर अगर हम प्रकार की बात करें तो वही बात है कि इन सभी आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए शिक्षण के तीन स्तरों को, तीन लेवल्स को डिफाइन किया गया, विभक्त किया गया, क्लासिफाइड किया गया। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, अब स्मृति स्तर इन तीनों चरणों को देखिए। निम्न छात्रों के स्तर को छात्रों की आयु के आधार पर क्रमबद्ध प्रस्तुत किया गया है, उनके उम्र के आधार पर। इसमें छात्रों के बौद्धिक स्तर एवं उनकी आयु के आधार पर निम्न स्तरों में क्रमबद्ध के रूप में अपनाया जाता है, अर्थात बाल्यावस्था एवं शिशु अवस्था में स्मृति स्तर, मतलब वो जो छोटे बच्चे होते हैं, मेमोरी लेवल का स्थान दिया जाता है। तत्पश्चात बालक की आयु के साथ साथ बौद्धिक विकास की वृद्धि होती है, ऐसे में उन्हें बोध स्तर, थोड़ा समझने की बात की जाती है, और वही जब उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो उनको चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल पर शिक्षण करवाया जाता है। वन बाय वन हम देख लेते हैं कि वन बाय वन क्या होता है। चलिए, हम स्मृति स्तर और मेमोरी लेवल की बात हुई है। स्मृति स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर के स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। मेमोरी पक्ष को, जो थोड़ा सा याद करने वाली बात, यह बाल्यावस्था एवं शिशु अवस्था में प्रदान की जाती है, क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर में होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी कुछ अवस्थाएं हैं। क्या अवस्थाएं हैं? मतलब देखिए, सबसे पहली चीज़ की बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि ए फॉर एप्पल कोई चीज़ होती है। फिर वो बच्चा क्या करता है, उस एप्पल को अपने दिमाग में धारण कर लेता है। ठीक है, रिटेंशन कर लेता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उसको कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो रिकॉल करता है, यानी कि प्रत्यस्मरण करता है, उसको याद करता है, दोहराता है। तो धारण की हुई वस्तु को आवश्यकता अनुसार पुनः स्मरण करना, अर्थात सीखी हुई वस्तु को भविष्य में अपने काम में लाने की क्षमता को प्रतिस्मरण करते हैं। तो बच्चा यही तो करता है। अब लास्ट क्या होता है दोस्तों, किसी रास्ते में पुनः जाने पर वो पहचान लेता है कि हम यहाँ पहले आए थे। स्मृति स्तर के पुनः, मतलब उसको क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन, थोड़ा सा पहचान होने लगती है। तो इसके चार स्तर हैं दोस्तों, अधिगम, धारण और पुनःस्मरण या फिर प्रत्यस्मरण या पहचान, ये चार इसके लेवल हो गए स्मृति स्तर के। ठीक है, मेमोरी लेवल के। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें बौद्ध स्तर, बौद्ध स्तर किसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी बुद्धि थोड़ी सी और विकास हो गई बुद्धि की। तो देखिए बौद्ध स्तर शिक्षण स्तर का मध्य स्तर है। इनमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि विकासशील होती है और जिनका स्मृति स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, मतलब वो याद करना ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तत्पश्चात शिक्षण को बोध स्तर की ओर ले जाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को रटकर याद करने के बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलुओं की बारीकी से समझाया जाता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसमें उनका मस्तिष्क उस प्रकार के पहलू को समझकर उनके मध्य के अंतरों को समझ सके। इसमें शिक्षण के दौरान क्या होता है दोस्तों, प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशंस, दिखावा, ताकि समझ में आए बच्चों, अधिक बल देते हैं।
इसमें छात्र उस प्रकरण के उद्देश्य का बोध कर सकते हैं एवं उसके प्रकरण की घटनाओं एवं विचारों के पीछे उद्देश्यों एवं लक्ष्य को जान सकें। ठीक है, बौद्ध स्तर का शिक्षण का उपयोग सामान्यतः माध्यमिक स्तर हेतु अधिक किया जाता है, माध्यमिक स्तर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे बचपन की बात कर लें, यूँ समझ लीजिए 1 से 5 तक आप क्या करते हैं, मेमोरी लेवल पे काम करते हैं, स्मृति स्तर पे। फिर आप 6 से 8 तक क्या करते हैं दोस्तों, आप बौद्ध स्तर पे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। आखिरी क्या है दोस्तों, चिंतन स्तर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े स्तर बड़े बच्चों के लिए होगा। और ये क्या है, ये शिक्षण स्तर का अंतिम स्तर है। ठीक है, तो यह शिक्षण स्तर का आखिरी हिस्सा है। इसमें मुख्यतः उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर दोनों का विकास हो चुका है। चिंतन स्तर शिक्षण छात्रों को चिंतन करने में उनकी सहायता करता है। ठीक है, यह छात्रों को वह क्षमता प्रदान करता है जिससे छात्र प्रकरण के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पहलुओं को समझ कर यह निर्णय ले सकेगी। इस प्रकरण में अगर कुछ नए पात्रों एवं विचारों को सम्मिलित किया जाता है तो प्रकरण के उद्देश्य को किस तरह परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ गया दोस्तों, इन शब्दों को ध्यान मत दीजिए। सबसे आपको समझना ये है छोटी सी बात की कि शिक्षण स्तर क्या होता है। स्तर एक आधार होता है जिस पे आप शिक्षण कार्य करते हैं और इसी आधार पे आप बच्चों के बौद्धिक विकास का ख्याल रखते हैं और इस प्रकार से अपनी शिक्षण प्रक्रिया जारी रखते हैं। सबसे निम्न स्तर क्या है, स्मृति स्तर, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें याद करने की बात की जाती है। थोड़े बड़े होते हैं तो मध्य के स्तर को कहते हैं बोध स्तर, इसमें बच्चों को समझाया जाता है। और चिंतन स्तर मतलब बच्चों को इस प्रकार बनाया जाता है कि वो खुद से सोच सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगर हम कोई चीज़ें नहीं सम्मिलित करते हैं तो कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा, वो खुद अपनी तरफ से चिंतन करते हैं। ये बहुत बड़े बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको बनाना बहुत जरूरी था। आप इसको जरूर अपने शब्दों में देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर पेपर में आता है तो इसी प्रकार से आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि और बच्चों की मदद हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।